अपराधी इस देश में कोई बच नहीं सकता, ये लिखित ले लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बीते कुछ दिन पहले इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई। उसी के बाद से बिहार में लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आज पटना पहुंचे बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी रुपेश सिंह हत्याकांड पर जमकर क्या कुछ और कहा, पहले आपको हम वो सुनाएंगे। और अपनी बात उन्होंने कही है, साथ ही साथ उन्होंने बिहार में आते ही उन्होंने ये कहा है कि पुलिस जो है उतनी सक्षम है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जिस तरीके से उनके निर्देश पर रुपेश सिंह के हत्याकांड को लेकर जो अपराधियों को जो ढूंढा जा रहा है, उनकी तफ्तीश की जा रही है, उसे जल्द से जल्द पकड़कर सामने लाया जाएगा। सांसद रवि किशन ने यह भी कहा है कि अपराधी चाहे जो भी हो वो पकड़ा जाएगा, लिखवा कर ले लीजिए, ये बात उन्होंने कही। और क्या कुछ कह रहे हैं सांसद रवि किशन, सुनिए आप इस वीडियो में। नहीं, हम क्या भाई, भाई कब भाई लिया, हमके खबर ना रहे। अच्छा, हत्या हुई है तो डेफिनेटली अपराधी पकड़ा जाएगा। पुलिस को, आप कानून को, ये नहीं कि किसकी सरकार है, लेकिन प्रशासन एक अलग डिपार्टमेंट है, वो हमेशा मुस्तैदी से काम करता है। और हिंदुस्तानी पुलिस और हिंदुस्तानी प्रशासन पुलिस का एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज है, और डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। बचेगा अपराधी, कोई बचेगा नहीं, ये तो आप लोग लिखित ले लीजिए। जहाँ पर मोदी जी की सरकार आई है, जहाँ पर एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है, अपराधी इस देश में कोई बच नहीं सकता, ये लिखित ले लीजिए। रवि किशन का कहना है कि अपराधी चाहे जो भी हो वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। इस बात को लेकर उन्होंने कहा भी कि ये लिखवा कर ले लीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो आज पटना पहुंचे थे, और एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने उनसे बात की और सूबे में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उस पर लेकर जब सवाल पूछे गए, तब सांसद रवि किशन ने अपनी बात कही। और साथ ही साथ रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही जो उनके मन में थी, और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश सरकार को लेकर उनकी तारीफ करते हुए भी उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में ले लिया जाएगा। ये उम्मीद अब लोग कर रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द अब अपराधी गिरफ्त में हो। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।